हाय एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी स्टूडेंट ठीक होंगे। तो मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके ने परिवार कॉलेज अपडेट्स में। तो देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी MEA की तरफ से पेड इंटर्नशिप के लिए एप्लीकेशन फॉर्म आ चुके हैं। और आप सभी को पता होगा, ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर जो है, ये आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक संस्था है और इसके अंदर आपको इंटर्नशिप करने का मौका दिया जा रहा है। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, सारा कुछ आज मैं बताऊंगा। तो अगर मैं बात करूं इंटर्नशिप के लिए, तो पहले तो आप देख लीजिए इसके लिए क्या क्या जानकारी दी गई है इस पोर्टल पर। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एज लॉन्च द सेकेंड एडिशन ऑफ द MEA इंटर्नशिप प्रोग्राम 2023-24 के लिए। इंटर्नशिप प्रोग्राम इज द मिनिस्ट्री ऑफ वर्निंग मोर फोकस ऑफ MEG प्रोवाइड वैल्यू ऑफ इंटर्न टू इंश्योर बेटर जेंडर। ठीक है। सैलरी की बात की जाए, सैलरी जो रहेगी 10,000 रुपये आपको मिलेगी। ठीक है, यानी कि 10,000 रुपये इसमें सैलरी रखी गई है इस इंटर्नशिप की। और थोड़ी सी और जानकारी इसके बारे में ले लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊँ कैसे आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, 2023 से 2024 के लिए इसे किया गया है, तो अभी फॉर्म इसके निकले हुए हैं, थोड़ा देख लेते हैं इसके बारे में। तो एलिजिबिलिटी की बात की जाए, एलिजिबिलिटी जो इसमें क्वालिफिकेशन रहेगी, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। जी हाँ, आप ग्रेजुएट होने चाहिए तभी आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, आपका मतलब 25 साल से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए, 25 साल तक के बंदे इसके लिए एलिजिबल रहेंगे, एलिजिबिलिटी बता दिया उसने। ठीक है, और बाकी ये एवरी ईयर निकलती है सितंबर और अक्टूबर में। ठीक है, 2 terms of 6 months, ठीक है, 6 मंथ की आपकी इसमें इंटर्नशिप रहेगी, जो इस पीरियड को बढ़ाया जा सकता है, 3 months पीरियड मैक्सिमम रहेगा। ठीक है, डाइवर्सिटी की बात की जाए, बाकी आप देख सकते हो ये ST OBC के लिए। सिलेक्शन प्रोसीजर सिंपल सा है, आपको internship.me.gov.in पे जाके फॉर्म भरना होगा। ठीक है, फॉर्म को आप बेसिक डिटेल के साथ भरोगे अपनी, और अपनी जो भी 10-12 की मार्कशीट वगैरह अपलोड करोगे, और उसके बाद आपका सिलेक्शन जो होगा, सिलेक्शन आप शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे मेंबर्स। मैं आपको लिंक दे दूंगा, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे अप्लाई करना है, वो भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा। तो ये जो बेसिक डिटेल है वो आप देख लीजिए, इतनी स्टेट्स हैं तो आप देख सकते हो। ठीक है, तो 10,000 रुपये इसका जो रहेगा वो फेयर रहेगा, 10,000 रुपये मंथ। तो इंटर्नशिप है तो 10,000 रुपये भी मिलना काफ़ी बड़ी बात है, और दूसरी यार गवर्नमेंट की इतनी बड़ी एजेंसी के साथ आप काम करोगे। ठीक है, एक्सटर्नल अफेयर्स। तो बाकी मैं आपको एक दिखाता हूँ कि इसके लिए अप्लाई कैसे करना है, मैं आप जरा उस पोर्टल पे आपको लेकर चलता हूँ। उसकी लास्ट डेट पहले मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए, नोटिस निकाला गया था इंटर्नशिप को लेकर, जो भी डेडलाइंस है इसकी। ये फॉर्म आपका 1 जनवरी से आ चुका है, 14 जनवरी इसकी लास्ट डेट है रिसीविंग एप्लीकेशन की। 19 जनवरी को कैंडिडेट को सॉर्ट आउट करके इंटरव्यूज़ के लिए सॉर्ट आउट किया जाएगा। 19 जनवरी को इसका जो है लिस्ट आ जाएगी कि कौन कौन इसके सिलेक्टेड है, और 3 फरवरी को इसका इंटरव्यू होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो भी कहते हैं DVC, और 9 फरवरी से अनाउंसमेंट हो जाएगा सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का, कौन कौन सिलेक्ट हो गया है, और 1 अप्रैल से जो आपकी इंटर्नशिप है उसको शुरू कर दिया जाएगा 2024 के लिए। तो 14 जनवरी तक आप इसका एप्लीकेशन भर सकते हो। शर्त यह कि आपकी ग्रेजुएशन क्लियर होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम में, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हो। ठीक है, तो ज़रा मैं दिखाता हूँ कैसे आपके लिए इसके लिए अप्लाई का आपको करना है। तो देखिए, पोर्टल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, उस पर क्लिक करोगे आप इस पर आ जाओगे। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी डालना है। ठीक है, तो अभी ये लॉगिन नहीं होगा, इसके लिए आपको साइनअप करना होगा। साइनअप पर क्लिक करोगे, जैसे आप साइनअप पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको कुछ रजिस्ट्रेशन अपना करना होगा, यहाँ आपका नाम होगा, इंटर्नशिप में आपको सिलेक्ट करना है ये MEA इंटर्नशिप प्रोग्राम, ये वाला सिलेक्ट मत करना। ठीक है, और फिर यहाँ पे आपका जेंडर, ईमेल आईडी, जो भी आपकी ओपन ईमेल आईडी है, एक पासवर्ड बनाओगे, कंफर्म करोगे, कैप्चा डालोगे, सबमिट पे क्लिक करोगे, आपका जो रजिस्टर ईमेल पे उस पर एक लिंक जाएगा एक्टिवेट अकाउंट के, उस पर क्लिक करोगे, इसी वेबसाइट पे आपको लेकर आ जाएगा और आपका जो अकाउंट है वो एक्टिवेट हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, उसी ईमेल आईडी और पासवर्ड जो आपने भी बनाया था उसी ईमेल आईडी को डाल के उसको लॉगिन करना है। तो हम जरा लॉगिन कर लेते हैं क्योंकि हमने ऑलरेडी बना लिया है। तो जैसे हमने लॉगिन कर लिया तो आप देख सकते हो हम इसी इंटर्नशिप वाले पोर्टल पे लॉगिन हो चुके हैं। तो अब यहाँ पे आपको क्लिक करना है एप्लीकेशन नॉट सबमिट, तो अप्लाई फॉर इंटर्नशिप पे हम क्लिक करेंगे।
जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, अब आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है। तो आप देखिए यहाँ पे आपको पांच स्टेप आपको अपनाने हैं। पहला में आपको पर्सनल डिटेल्स भरनी है, फिर दूसरे में आपको एजुकेशन डिटेल्स आपकी जाएगी, फिर इंटर्नशिप आपकी डिटेल जाएगी, ठीक है, आपकी जो भी इंटर्नशिप डिटेल्स है, फिर डॉक्यूमेंट्स आपके अपलोड होंगे और फाइनल रिव्यू आपका सबमिट होगा, ठीक है। इसके लिए आपको कोई फीस पे नहीं करनी है, ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ, ठीक है। इसमें क्या क्या आपको भरना है आप देख सकते हो। तो इसमें आपका जो भी आपका नाम वगैरह सारा क्लिक करना है, तो मैं इसे फिल करके फिर नेक्स्ट स्टेप पे आपको लेकर जाता हूँ, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हो हमारी जो पर्सनल डिटेल्स हमने सेव कर ली, अब हमारी एजुकेशन डिटेल्स में हमें डालनी पड़ेगी। तो इसमें आपको क्या क्या डालना है, आपने किस यूनिवर्सिटी से किया है उसका नाम डालेगा, ठीक है, प्रेजेंट कोर्स ड्यूरेशन क्या है, किस स्टेट से किया है आपकी ग्रेजुएशन डिटेल डलेगी, यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन डलेगा पूरा आपको डालना, किस ईयर में पास किया था, ठीक है। 2023 वाले भी इसके लिए एलिजिबल, जिन्होंने 2023 में ग्रेजुएशन कर चुके हैं वो भी इसके लिए एलिजिबल है, पर 25 साल से ज़्यादा आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए। आपने 12th कहाँ से की थी, ठीक है, ये भी डालना है, उसके मार्क्स कितने थे 12th में ये भी डालना है, 10th में कितने मार्क्स थे, सब कुछ डालना है इसमें, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना। तो मैं फिल कर देता हूँ, फिर मैं नेक्स्ट पे आपको लेकर चलता हूँ। तो अब देखिए, अब हमने एजुकेशन डिटेल सबने डाल दी, हमने ग्रेजुएशन की डिटेल, 10th की डिटेल, 12th की डिटेल डाल दी। अब इंटर्नशिप की डिटेल हमें डालनी है, तो इंटर्नशिप ड्यूरेशन क्या रहेगा यहाँ पे डाल देना है, 3 मंथ से ज़्यादा आप इंटर्नशिप नहीं करें तो 3 मंथ के बाद आपका रिव्यू किया जाएगा, फिर एक्स्ट्रा 3 मंथ बढ़ा दिया जा सकता है, मतलब 1 मंथ 2 मंथ तो 3 मंथ, इससे ज़्यादा इंटर्नशिप इसमें नहीं है। 3 मंथ के बाद आपकी इंटर्नशिप को रिव्यू किया जाएगा, उसके बाद हो सकता है कि उसको एक्सटेंड किया जाए, ठीक है। तो मैक्सिमम 3 मंथ के लिए इंटर्नशिप है, ठीक है। तो क्या क्या एक्टिविटीज़ में आप इंटरेस्टेड है, कंप्यूटर वर्क जो भी आप वो भर सकते हो, ठीक है। तो ये जो भी आप डाल देना यहाँ पे, ठीक है। फिर आपका व्हाट डू यू वांट टू परस्यू इंटर्नशिप, आप क्यों चाहते हो ये इंटर्नशिप को, आपको यहाँ पे 2000 कैरेक्टर में लिखना है, ठीक है। इसको नेक्स्ट पर क्लिक करना था, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट की चीज़ें तो पूछेंगे क्यों इंटर्नशिप करना चाहते हो, तो मैं ज़रा सा फिल करके भी नेक्स्ट पर क्लिक कर। तो देखिए यहाँ पे आपको डिवीज़न सेलेक्ट करना है, किसकी डिवीज़न में आप काम करना चाहते हो, 3 डिवीज़न आपको देने हैं, ठीक है। तो जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें कोई डिवीज़न बोल रहा है, क्लिक करोगे जैसे पहले डिवीज़न के लिए, तो कई सारे डिवीज़न है, जैसे AMS डिवीज़न, BMA डिवीज़न, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट के डिवीज़न बने हुए हैं, ICA डिवीज़न, तो हम सेलेक्ट कर लेते हैं कोई भी 3, ठीक है, जैसे हमने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट पर क्लिक कर रहे हैं, ठीक है, हम तो आपको दिखाने के लिए कर रहे हैं। और प्रोजेक्ट के लिए आप इसमें कुछ भी डाल दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है, हमने कर दिया है। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, ये हमारा सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है, ठीक है। अब हमारे आ जाते हैं डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स में कुछ नहीं है, आपको क्या क्या डालना है, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, आईडी प्रूफ मांग रहा है आपसे, ठीक है। ओनली PDF फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है, 12th की मार्कशीट डालनी है, ग्रेजुएशन की मार्कशीट डालनी है, कंबाइंड डाल सकते हो, कंबाइंड है, अगर फाइनल ईयर की वो भी डाल सकते हो, डिग्री भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपका फोटो अपलोड होगा जैसे इस तरीके से आप देख सकते हो, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है, PUPO पे देखना और फिर सबमिट कर देना, आपका ये एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपना फॉर्म जो है फिल कर सकते हो इंटर्नशिप के लिए, जो भी ग्रेजुएशन जिनकी कंप्लीट हो चुकी है। 10,000 रुपये महीना मिलेगा, लास्ट डेट 14 तारीख है, ठीक है। थैंक यू।